इस वक्त मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं उसमें मैं पेशगी है आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी को भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा, और चूंकि ये मामला बड़ा हसास है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास करने जा रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि कल रात से जो एक मुलाकात बनी गाला इस्लामाबाद जहाँ पे भी हुई, उस मुलाकात के बड़े चर्चे हैं। फिर उस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात हुई, वो चार बड़ों की मुलाकात बताई जा रही है, और उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, और बेसिकली इमरान ख़ान साहब को फिर एक और मुलाकात के बाद जो चीज़ कन्वे की गई वो चीज़ कन्वे क्या की गई, और इस वक्त जो पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं इसको पता नहीं मुझे क्या नाम देना चाहिए, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर कहना चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहना चाहिए, पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के मेजर प्लेयर्स कहना चाहिए, जो भी कहना चाहिए। ज़मीनी जो हकायक हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं, वो जुज़्वे लाइन फाइक, वो मेरी कल बहुत से लोगों ने ये वाली जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाने की कोशिश की, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात कही थी। मैं ये कहता हूँ कि जी के पाकिस्तान की सियासत का, रियासत का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट है। हम उनके किरदार से आंखें तो बंद कर सकते हैं या लेकिन उससे इनकार नहीं कर सकते। उनका हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, उनका है किरदार भाई, उनकी करिए। तो मतलब ये कि उन मुलाकातों का अहवाल क्या है, मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, जाहिर है कि वो शख्सियत जो थी वो चार शख्सियात में तो शामिल नहीं थी, और वो जो मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ थी उसमें भी वो शामिल नहीं थी, लेकिन चीज़ें ट्रैवल ज़रूर करती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, और फिर जो माहौल चल रहा होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कुर्ब व जवार में पाए जाते हैं, और आपको पता होता है कि मूड क्या चल रहा है, वो सोचा क्या जा रहा है, अगर ये बात हुई है तो फिर क्या हुई होगी, फिर वो चीज़ें ट्रैवल कर जाती हैं, नीचे तक आ जाती हैं। तो जो बात ट्रैवल कर रही है इस वक्त एक एक हल्का असर में, या कह लेंगे एक बहुत रेलिवेंट क्वार्टर्स में, वो ये है कि इमरान खान साहब को ये जाहिर है कि ये डिक्टेट नहीं करवाया जा सकता, ना कोई डिक्टेट करवा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को चीज़ें तरीके के साथ कन्वे की जाती हैं, तो कन्वे का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा कि इमरान खान साहब को कन्वे ये किया गया है कि हुज़ूर आला 21 तक आप बिस्मिल्ला OIC की मेज़बानी करें, और उसके बाद जो है वो ग्रेसफुली एग्ज़िट करें। जो दस्तूर अपना रास्ता बना रहा है, जो कानून अपना रास्ता बना रहा है, उसके मुताबिक चलें और देखें सियासत में, ज़िंदगी में जो नशेब व फराज आते हैं, और इस पर दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, ये मशवरा दिया गया है। और इंश्योर क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी फरीक मामलात को इस सतह के ऊपर ना ले जाए। वो जो कल दरवाज़ा दरवाज़ा तोड़ा है ना इन्होंने सिंध हाउस का, तो मतलब उस सतह तक ना जाए, तसादम की तरफ ना बढ़ें हम, और एक किसी ऑकवर्ड पोजीशन में किसी को भी ना डाला जाए, और इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है और इसी में मुल्क आगे बढ़ेगा चलेगा। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पैरालाइज हुआ पड़ा है, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम कहें कि ना हुकूमत हुकूमत है, मतलब ये कि बेअसर भी हो चुकी है, गैर फाल भी हो चुकी है, गैर मौसर भी हो चुकी है, और बराए नाम एक गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब की इस वक्त पाकिस्तान में है, और वो कर क्या रही है, मतलब वो कि उसको पाकिस्तान की रियासती अमूर के साथ एक रत्ती बराबर इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो भी चैलेंजेस हैं, वो इकॉनमी के हों, वो सिक्योरिटी के हों, उनसे इमरान खान साहब का रत्ती के बराबर भी इस वक्त कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रह गया। तो वो जो मीटिंग है, जो बड़ों की मीटिंग, चार बड़ों की मीटिंग, मैं स्कैंडलाइज हरगिज़ नहीं कर रहा। मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि, और वो आज भी हुई मीटिंग, और उसका नतीजा ये है कि वज़ीरे आज़म को कन्वे किया गया है, और फिर उसके नतायज बरामद होना शुरू हुए हैं। नतीजा नंबर वन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक वो किया ना जी, एक होता है ना कि एक जिम्मेदारी सी, एक अनसीन एक प्रेशर डेवलप होता है, और मैं अगेन किसी को स्कैंडलाइज नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी ने फ़ोन करके चीफ साहब को कहा होगा कि सारा की हो रहा है, तुम कोई नोटिस ही नहीं ले रहे, ये है वो है, ठीक है जी, वो एक पिटीशन थी
सुप्रीम कोर्ट बार की, और फिर चीफ साहब ने कुछ लाइव मनाजर देखे होंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, है जी, क्लेम तो करने को है ना। तो खैर सू मोटो होता है, सू मोटो कहना चाहिए इसको, जो भी कहना चाहिए कि अर्ली हियरिंग की हद तक हम कह लेते हैं कि सू मोटो, वरना ये मंडे को होनी थी इसकी हियरिंग होनी थी, उन्होंने आज ही इसकी हियरिंग की, आज ही हियरिंग की, और फिर वो जो नोटिस शोटस और जो अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपके भी सुना है कोई वो रेफरेंस की मद में कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं कि जी के 63(1)(a) के मतलब जो भी है कि राय जो सुप्रीम कोर्ट की वो भी ले आए, ये भी उनको कह दिया, और ये भी उन्होंने कहा कि जी कि जो तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस है वो चलता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने भी कहाँ पे कंसर्न शो किया कि ये जनाब पंजाबी प्रॉब्लम, मैं फिर वही गलत गल गलत नहीं, हम जो आम गुफ्तगु में जो जुमले यूज़ करते हैं, चले हम उर्दू में शाइस्ता ज़बान बोलते हैं, कि वैसे तो पंजाबी भी शाइस्ता ज़बान है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अल्फाज का गलत इस्तेमाल करने जा रहा था, कि जो हम गली में लेगी बात और होती है ना, यानी वो पर्सन टू पर्सन जो होती है रोज़मर्रा की गुफ्तगू वो और होती है। खैर अगर हम शाइस्ता ज़बान में बात करें या शाइस्ता अल्फाज में ढूंढ के लाऊँ तो वो ये है कि आपस में क्यों दस्तोगिरेबां हो रहे हैं यार, ये एक सियासी अमल है, आज इमरान खान साहब हैं तो कल नहीं होंगे, तो इसको वज़ीर आज़म को भी ये कहा गया है ना कि ग्रेसफुली डील करें इसको, ग्रेसफुल एग्ज़िट अगर आपके आ ही गया है, मुकद्दर आपको खारजी दरवाजे तक ले आए हैं, तो फिर ज़रा ग्रेसफुली जाएं यार, मतलब ये क्या है कि वो जरा बच्चे स्कूल भेजने लगो ना तो वो कभी कुर्सी में फड़ लें, मैं नहीं जाना, मतलब अड्डियाँ रगड़नियाँ ज़मीन दे होते हैं, तो ये वो इस तरह की हरकतें ना करें, मतलब आपको पहले हैं जो इक्तदार से बाहर आपको जाना पड़ रहा है, कही गए हैं बाहर निकल के जो कुछ मर्जी कहते हैं, फिर मतलब अदारों को तो ना अब आप इस लेवल के ऊपर लेके आए कि अदारे अवाम के सामने आके खड़े हो जाएं या फिर आपके सामने आके खड़े हो जाएं, ग्रेसफुली डील करें, ये है लुबे लबाब, और उसी के नतायज बरामद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, गेट गूट तोड़ रहे हो, कड़े चक्करां च पै गए हो, मतलब घर मेहमान आए आने वाले है, मतलब OIC का इजलास है, तो बिहेव करें, बिहेव अब पाकिस्तान के सियासतदानों से और खसूसन गवर्नमेंट से मुतालबा है ये वाला कि बिहेव, और फिर स्पीकर से कि बिहेव, कि जो दस्तूर कहता है वो करें, और मुझे लगता है कि शायद मामला जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे जब इदारे यूं करके आ जाए ना सामने, एक तरह से सामने ही आ गए ना कि आपको ग्रेसफुली एग्जिट का कहा जा रहा है, अब ये ग्रेसफुली एग्जिट क्या है कि इस्तीफ़ा दे दें या फिर ग्रेस दिखाएं कि जनाब के ये एक दस्तूरी काम है, वो जो 21 जून 2020 को आप कह रहे थे, नहीं जून नहीं अब ये मार्च ही में कि जब एतमाद का वोट लिया था कि अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो कह दें एतबार नहीं मैं चला जाऊंगा, तो अब जब वक्त आया है तो जनाब क्या मिर्गी क्यों पड़ रही है, इतनी भी क्या क़यामत आ गई है, कोई पहला वज़ीर आज़म है कि जो जनाब जो इसको जाना पड़ रहा है, तो बिहेव करना पड़ेगा, ग्रेस दिखानी पड़ेगी, ये मुतालबा है कि हैंकी बैंकी नहीं चलेगी, ऐसी की तैसी नहीं चलेगी कि जी के ये कर देंगे वो कर देंगे लटका देंगे ये कर देंगे, लटकाने से मुराद है कि कार्रवाई को लटका देंगे इस पार्लियामेंट की ये वो, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इमरान खान साहब का खिताब रावलपिंडी रिंग रोड, और उसमें जो उन्होंने रिस्ट्रेन शो करने का अपने कारकुनों को कह दिया है कि तसादम की तरफ ना जाएं, ये जो सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है, मतलब बुक की डिगी हुई है, क्यों डिगी हुई है, साईं आके कह गए ना कि पायन ये आपकी खाला जी का वाड़ा नहीं है, मैं देखो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो डिसिप्लिन या डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो चार बड़ों का जिक्र आ रहा है बार बार, वो तरीके के साथ ही आके बात करेंगे ना, आके ओए तोड़े तो नहीं होती, डिसिप्लिन है, मुल्क है, प्राइम मिनिस्टर है, मजाक थोड़ी है, तो वो आके उन्होंने ये इतना काफ़ी होता है कि आके कह दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ग्रेस शो करें, मतलब इसका दूसरा पंजाबी में लफ्ज़ है कि बंदे दे पुत्र बनो यार, ये कोई तरीका है कि कुर्सी फाड़ लो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बुए को जफा मार लूँगा, मुझे खिंच के निकालोगे तो निकलूँगा, ये नहीं तरीके ठीक, या मैं देखता हूँ कि किस तरह तहरीक अदम एतमाद टेबल होती है, या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंसान बनो, ये सादा अल्फाज में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ सियासी जुबान में तो वो ये बनता है इंसानों की तरह बिहेव करें, इंसान बने, ये हरकतें ठीक नहीं हैं।
इमरान खान साहब जो हैं उनके मुतल्लिक यही कहा जा सकता है कि अब वो करते हैं कि नहीं करते, जाहिर है कि एडे जनाब वो कमांडो रहते नहीं तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह जिस सीरियस अंदाज में ये कन्वे किया गया है इमरान खान साहब चूँ नहीं करेंगे। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।